मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस फंगस से आ, होती है सिम्टम्स जिसमें लीव्स पर सिम्टम दिखाई देते हैं पत्तियों पर छोटे वाटर सॉफ्ट धब्बे टिप्स मार्जिन और पत्ती के किसी भी भाग पर विकसित हो जाते हैं जो कि बड़े होकर अनियमित डार्क ब्राउन लेजेंस बना लेते हैं ये लाइट ग्रीन हेलो द्वारा घिरे रखते हैं दिन के समय डार्क ब्राउन लेजेंस के चारों ओर वाइट कॉटनी ग्रोथ दिखाई देती है जो पतियों की निचली सतह पर बन जाती है यदि मौसम शुष्क हो जाता है तो लेजेंस नेक्रोटिक हो जाते हैं और ड्राई अप हो जाते हैं और फेवरेबल वैदर कंडीशन में ह्यूमिडिटी अगर हाई हो तो डिज़ीज़ तेजी से फैलती है स्टेम पर इन्फेक्शन ट्यूबर से विकसित होता है जब ट्यूबर uh, से इन्फेक्शन ग्राउंड लेवल से नीचे से शुरू होकर स्टेम पर आता है तो ब्राउन कलर के स्ट्राइप्स विकसित हो जाते हैं और ये लेजेंस ग्रोइंग पॉइंट पर भी इस टाइम पर विकसित होते हैं जब इन्फेक्टेड प्लांट से फंगस हेल्दी प्लांट पर पहुंच जाती है इन्फेक्टेड लीव्स लेट प्लाइट ऑफ सिम पोटेटो लीव्स पर छोटे धब्बे हैं जो मार्जिन से फैल गए हैं पोटेटो फोलिएज अफेक्टेड बाय लेट प्लाइट पत्ती की निचली सतह है जिस पर वाइट कॉटनी ग्रोथ सुबह के समय दिखाई देती है स्पोरुलेशन ऑफ फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस ऑन लोअर लीफ ऑफ सर पोटेटो पोटेटो फील्ड अफेक्टेड बाय लेट प्लाइट इसमें पैचेस बन जाते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स के और हेल्दी प्लांट्स के अलग अलग पैचेस बने रहते हैं इन्फेक्टेड स्टेम ऑफ पोटैटो, इन्फेक्टेड ट्यूबर्स इरेगुलर शेलो संकन रेडिश ब्राउन पैचेस दिखाई देते हैं इसमें और इन्फेक्टेड टिश्यूज़ में स्पॉन्जी और रस्टी ब्राउन गहराइयाँ दिखाई देने लगती हैं ट्यूबर के लेजेंस लोकली पत्थर डैग कहलाते हैं और जिसमें सेकेंडरी पैथोजन भी आक्रमण कर सकता है जिसके कारण सॉफ्ट रोट डिजीज़ हो जाती है इन्फेक्टेड ट्यूबर्स डिजीज साइकिल सॉइल बॉन्ड इन्फेक्टेड सीड इन सॉइल या इन्फेक्टेड ट्यूबर इन सॉइल इन सीज़न में इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे ऑफ सीज़न में प्लांट डायबरीज और के रूप में डोरमेंट माइसीलियम मिट्टी में पड़ा रहेगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयरबॉन्ड है मैनेजमेंट यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ फील्ड सैनिटेशन यूज ऑफ प्रॉपर फंगिसाइड्स क्रॉप रोटेशन यूज ऑफ सर्टिफाइड सीड्स है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटेटो ट्यूबर के सेंटर में ब्लैक कलरेशन इसका मेन कैरेक्टर है प्रभावित उत्कों पर निश्चित धब्बे बन जाते हैं जो इरेगुलर पैटर्न में होते हैं ये या तो फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं या भित्ति रहित कैविटीज बना लेते हैं जिसमें खोखले केंद्र बने रहते हैं इंटरनल ब्लैकिंग के लिए मेलनिन ही रिस्पॉन्सिबल है जो ब्लैक कलर आउटर ब्लैकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलनिन वही इंटरनल ब्लैकनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सीड पोटैटो ट्यूबर से डिजीज प्लांट का जर्मिनेशन होता है ये रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण या सराउंडिंग एरिया में सीओ टू की अधिकता होती है उसके कारण हो जाता है ऑक्सीजन की कमी निम्न कारणों से हो सकती है लंबे समय तक एयर टाइट बिल्डिंग में हाई टेम्परेचर पर यानी आठ से दस डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज किया जाए या फिर एयर टाइट बिल्डिंग में लो टेम्परेचर जैसे कि दो डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर पोटेटो ट्यूबर्स को स्टोरेज किया जाए या फिर ट्रांसपोर्ट के समय बैग्स को पूरा भर देने से भी ट्यूबर्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पोटेटो ट्यूबर्स की ब्लैक हार्ट डिजीज को रोकने के लिए अवॉइड बैडली ड्रेंड सॉयल्स एंड ओवर इरिगेशन प्रिपेयर द सॉइल टू गिव अ स्ट्रक्चर अवॉइड हार्वेस्टिंग इन एक्सट्रीम हीट और लो टेम्परेचर मेंटेन अ मॉडरेट टेम्परेचर ड्यूरिंग कोल्ड स्टोरेज कंडनसेशन को अवॉइड करने के लिए ट्यूबल्स को सुखा देना चाहिए मैंटेन एन एडिकेट वेंटिलेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ट्यूबर्स Avoid storing tuber in tightly closed bags. Thanks. डिजिस है पोटेटो सिस्ट निमेटोड जिसे गोल्डन निमेटोड डिजीज ऑफ पोटैटो भी कहते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ग्लोबोडेरा रोस्टोकसिस है जिसे गोल्डन निमेटोड या गोल्डन ईलबॉम या येलो पोटैटो सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं यह सोलिनेसी कुल के पौधों का एक पैथोजेनिक निमेटोड है इन्फेक्टेड रूट ग्लोबोडेरा रोस्टो के कारण पोटैटो की इन्फेक्टेड रूट इस तरह की दिखाई देती है जिसपे येलो कलर के सिस्ट बन जाती हैं ये सिस्ट डेड निमेटोड्स के कारण बनती हैं ये निमेटोड्स ससेप्टिबल स्पीशीज़ की रूट्स में सिस्ट बना लेता है और ये सिस्ट डेड निमेटोड से बनी हुई होती हैं जो फीमेल एक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती हैं ये येलो इन कलर होती हैं सिम्टम्स जो पौधे पर इस निमेटोड के कारण दिखाई देते हैं पुअर प्लांट ग्रोथ हो जाती है क्लोरोसिस हो जाता है विल्टिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो तो रूट सिस्टम रिड्यूस हो जाता है वाटर स्ट्रेस हो जाता है प्लांट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और प्री डेथ हो जाती है प्लांट की मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज थ्रू स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ यूज़ ऑफ डिजीज फ्री सी ट्यूबर्स फ्यूमिगेशन एंड क्रोप रोटेशन